हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सेटिस टैबलेट के बारे में, जानेंगे सेटिस टैबलेट का यूज क्या है, कितना डोज है, कितने दिन तक इसको ले सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट है, क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए अगर सेटिस टैबलेट ले रहे हैं तो। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए जानते हैं सेटिस टैबलेट के बारे में। सेटिस टैबलेट जो कि एलकेएम फार्मा कंपनी बनाता है और ये 18.49 रुपये में किसी मेडिकल स्टोर पर आपको 10 टैबलेट मिल जाएगा। बात करें इसे कंपोजिशन का तो इसमें सेट्रिज में सेट्रिजिन 10 mg पर टैबलेट होता है। आइए इसका यूज जानते हैं सेट्रिज टैबलेट का। तो सेट्रिज टैबलेट का यूज एलर्जी में दिया जाता है और सीजनल एलर्जी में भी चलता है और आर्टिकेरिया में भी चलता है, जैसे कि स्किन में किस तरह का रिएक्शन, लाल पड़ जाना, दाना दाना, खुजली होना, चकता चकता, रेडनेस आ जाना, ये होता है आर्टिकेरिया मेडिकल टर्मोलॉजी में। उसके बाद सर्दी जुकाम में भी चलता है सेट्रिज टैबलेट, कफ में भी चलता है और नाक बहता है उसमें भी, कान बहता है उसमें भी और खुजली में भी चलता है, ज़्यादा छींक आता है उसमें भी चलता है और किसी दवा के साथ रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें भी सेट्रिज टैबलेट डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। ये रहा सेट्रिज टैबलेट का यूज। अब इसके बारे में जानते हैं इस कैसे काम करता है हमारे बॉडी में सेट्रिजिन टैबलेट। तो सेट्रिजिन यह एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है जो कि हमारे शरीर में हिस्टामिन पहले से प्रेजेंट रहता है। अगर शरीर में किसी तरह का पायरोजन फ्री या डस्ट या किसी तरह फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी अत्यधिक मात्रा में हिस्टामिन रिलीज करने लगता है, जैसे कि ये सब परेशानी होने लगता है, जैसे कि सर्दी जुकाम, नाक बहना, आँख बहना, कान बहना, छींक आना, ये सब परेशानी होने लगता है। ये सब काम है सेट्रिज टैबलेट के बारे में। अब इसका डोज कितना है, तो एक टैबलेट डेली सुबह और एक टैबलेट शाम को दिया जाता है। और कितने दिन चल सकता है, तो ये 15 से 20 दिन तक चल सकता है लगातार। साइड इफेक्ट जान ले तो अगर सेट्रिज टैबलेट ले रहे हैं तो घबराहट होने लगे, चक्कर आने लगे, पेट में दर्द होने लगे, उल्टी होने लगे या सडेशन होने लगे, ये तो तुरंत बंद कर दे और अपने डॉक्टर से जरूर एक बार सलाह ले लें। सावधानियाँ क्या क्या बताना चाहिए, तो सेट्रिज टैबलेट खाकर ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। दूसरा, सेट्रिज टैबलेट खा रहे हैं तो एल्कोहल ना लें, ड्रग इंटेक्शन हो सकता है। तीसरा, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो सेट्रिज टैबलेट ना लें, अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद से अगर कोई पेशेंट लंबे समय से दवा खा रहा है या किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब परेशानी है, तो उसे सेट्रिज टैबलेट ना दें, एक बार अपने डॉक्टर जरूर एक बार सलाह ले लें। ये रहा सेट्रिज टैबलेट के बारे में जानकारी। और जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, उस पर हम तुरंत बनाएंगे। धन्यवाद।